हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में वेलकम है। स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से या इस वीडियो में हम डिवीजन जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन जिम्नोस्पर्म के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये प्लांट का एक डिवीजन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिवीजन जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है जिम्नोस्पर्म का कि इनके जो सीड्स होते हैं वो इनक्लोज नहीं होते हैं, फ्रूट में वो इनक्लोज नहीं होते हैं। मान लीजिए सीड तो इनमें बनता है लेकिन वो सीड फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होता है। फर्स्ट ये करेक्टर है इनका। इसका मतलब है कि जो सीड है वो कैसा होता है, नेकेड होता है। इसका मतलब इनका सीड क्या होता है, नेकेड होता है। इनके पास वेल डेवलप्स, दे हैव वेल डेवलप वास्कुलर सिस्टम। इनके पास जाइलम और फ्लोएम वेल डेवलप होती है लेकिन एक चीज़ की कमी होती है, जाइलम में वेसल्स नहीं पाया जाता है और फ्लोएम में कैम्पेनियन सेल्स नहीं पाए जाता है। जब हम जाइलम और फ्लोएम पढ़े थे तो हम आपको बताए होंगे कि जाइलम में चार प्रकार की सेल पाए जाते हैं, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रकी, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्केमा। तो जाइलम वेसल इनमें नहीं पाया जाता है। अगर इनको हम देखें जिम्नोस्पर्म को, तो इनका जो पोजीशन है वो इंटरमीडिएट है किसके किसके बीच में है, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच में इनका पोजीशन है। इस डिवीजन में कॉमनली रूप से सभी के सभी टाल ट्री हैं और कुछ श्रब हैं। हर्ब जिम्नोस्पर्म हर्ब के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। अगर फ्लावर की अगर हम बात करें, इनमें जो फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल्स होते हैं और जो फ्लावर हैं स्पोरोफिल है वो कोन लाइक अरेंज हो जाते हैं और ये कोन अलग अलग प्लांटों में भी पाए जा सकते हैं या सेम प्लांट पर भी पाए जा सकते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें तो साइकस, पाइनस, ये कुछ एग्जांपल हैं जो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। अगला जो डिवीजन है उस डिवीजन का नाम है एंजियोस्पर्म। तो आइए देखते हैं एंजियोस्पर्म के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं कि ये सीड बियरिंग प्लांट हैं। इनमें सीड फ्रूट के अंदर पाया जाता है और इस डिवीजन में जो है कि ट्री भी पाए जाते हैं, हर्ब भी पाए जाते हैं और श्रब भी पाए जाते हैं, यानी तीनों टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। अगर इनकी बॉडी को देखे जाए तो इनमें वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है। आप देख कर बता सकते हो रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, सीड कहाँ है, और मतलब रूट लीफ फ्रूट सब आप डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हो। जो सीड है इनमें सीड ओवरी के इनसाइड में कवर होता है और यही ओवरी परिपक्व होकर फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो फ्रूट के अंदर इनका सीड पैक होता है। अब सीड के अंदर एक कॉटिलीडॉन पाया जा रहा है या दो कॉटिलीडॉन पाया जा रहा है, इसके आधार पर एंजियोस्पर्म को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो क्लास है वो है इनका डाइकॉटिलीडॉनस है। तो डाइकॉटिलीडॉनस में जो कॉटिलीडॉन्स होंगे वो कितने होंगे, दो होते हैं। एम्ब्रियो में द सीड हैव टू कॉटिलीडॉन इन एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो में दो कॉटिलीडॉन्स होते हैं। अगर रूट लीफ इनका दिया जाए, डाइकॉटिलीडॉन का देखा जाए, तो लीफ जो इनका होता है वो डॉर्सी वेंट्रल्स होता है और वेनेशन अगर देखा जाए तो रूट का वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है।
और टैप रूट होता है। टैप रूट मतलब रूट दो प्रकार से होते हैं। मान लीजिए ये पिनल्स रेडिकल से, तो रेडिकल से अगर एक ही पॉइंट से ऐसे रूट निकले, इसे हम बोलते हैं क्या, एडवेंटेशियस रूट। लेकिन अगर मान लीजिए ये रेडिकल से और यहाँ से ऐसे रूट अगर बने, ऐसे ब्रांचिंग होने के बाद बने ऐसे, इसे बोलते हैं टैप रूट। तो रूट इनमें कैसा होता है, टैप रूट्स होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो नीम, पीपल, ये सब डाइकोटिलेडोनस के एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा जो क्लास है एंजियोस्पर्म का, उसका नाम है मोनोकॉटिलेडोनस। इनकी जो एम्ब्रियो होती है सीड में, इनकी जो एम्ब्रियो होती है वो एक कॉटिलेडोनस उसमें पाए जाते हैं। लीफ आइसोबाइलेटरल होते हैं और वेनेशन इनमें कैसा होता है, पैरेलल होता है। ये रहा पैरेलल वेनेशन। अगर हम देखें तो मान लीजिए ये वेंस है, ऐसे वेनेशन अगर रहे तो इस वेनेशन को पैरेलल कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये लीफ्स है और अगर वेनेशंस कुछ ऐसे रहें ऐसे, तो ऐसे वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो इनमें कैसा वेनेशन पाया जाता है, पैरेलल वेनेशंस पाया जाता है। रूट फाइबरस होती हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो वीट, मेज, ओनियन इसके एग्जाम्पल है। फाइबरस रूट मतलब अगर रूट ऐसे होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, तो ऐसे को हम बोलते हैं फाइबरस रूट, जैसे ओनियन वगैरह में पाए जाते हैं। ये रहा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में।